नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो बेस्ट शैम्पू कौन सा है, वो बेस्ट साबुन कौन सा है जो आपको अपने डॉग पे यूज करोगे तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं जिसका नाम है पोमटाय अनुराग और मेरा नाम है अनुराग आर्यन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आपको आदमी वाला शैम्पू या फिर आदमी वाला साबुन अपने डॉग पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो बेसिस के रेशियो होते हैं वो अधिक होते हैं, क्योंकि आदमी में हार्ड चीज़ यूज होता है, क्योंकि आदमी के बाल और डॉग्स के बाल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आदमी में जो शैम्पू जो साबुन होता है उसमें बेसिस की जो क्वांटिटी होती है, रेशियो होती है, वो अलग होती है और डॉग्स में कम होती है। लेकिन आदमी वाला शैम्पू अगर डॉग्स पे यूज़ करोगे तो इसके बाल रुखरे हो जाएंगे और बाल गिरने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, और इसलिए वो डॉग खराब दिखने लग जाएगा कुछ दिन के बाद। इसलिए आदमी वाला शैम्पू और ना ही साबुन आपको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कौन सा करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, वैसे तो साबुन बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारा शैम्पू अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ ऑप्शन में मैं आपको बतला देता हूँ जो आप यूज़ करोगे आँख मूंद करके, जिसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉग्स कई टाइप्स के होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं जस्ट लाइक ये इंडियन स्पिट्स या पोमरेनियन कह लो, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिसके बाल कम होते हैं जस्ट लाइक आप डॉबरमैन कह लो, रॉटवाइलर कह लो या फिर लेब्राडोर कह लो। ठीक है, जिसके बाल कम होते हैं। तो दोस्तों, कम वाले के लिए अलग शैम्पू आते हैं, बड़े वाले के लिए अलग शैम्पू आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा शैम्पू बताता हूँ जो आप दोनों पे यूज़ करोगे जिसका रिजल्ट शानदार होगा। ठीक है, दो शैम्पू बताऊँगा, एक ऐसा शैम्पू जो आप नॉर्मल यूज़ करोगे, एक ऐसा शैम्पू जो आप मतलब कीड़ा वगैरह हो जाए डे में तो आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एडल्ट डॉग के लिए एक हिमालयन इरिना वाला एक आता है, इरिना ईपी शैम्पू करके, वो आप टिक में यूज़ करोगे, और एक हिमालयन का ही आता है नॉर्मल शैम्पू, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबसे ऊपर में जो नॉर्मल डे में आप यूज़ कर सकते हो वो, दूसरे नंबर पे मैं डाल दूंगा जो आप टिक्स आने पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो हिमालयन का नॉर्मल वाला शैम्पू है ना, वो सबसे ज़्यादा बिक चुका है अमेजन पे, सबसे ज़्यादा बिका है और सबसे बेस्ट रिव्यू उसका है। ठीक है, तो आप वो आँख मूंद के यूज़ करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो आपका कोई सा भी ब्रीड का डॉग हो। ठीक है, आँख मूंद के यूज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका डॉग छोटा है, उसको टिक्स हो गए हैं, तो छोटे डॉग्स को आपको नहलाना नहीं है, उसमें टिक्स के लिए एक हिमालयन का ही आता है हिमालयन इरिना ईपी पाउडर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पे डाल दूंगा पाउडर, वो आप अपने डॉग पे, पप्पी पे, छोटे बच्चों पे क्या करोगे, इस तरीके से बाल कर दोगे, मतलब बाल तो ऐसे होते हैं, तो ऐसे करके उसको पाउडर इस तरीके से मार दोगे, जिससे क्या होगा कि टिक्स मर जाएंगे। ठीक है, और बड़े डॉग्स में टिक्स किस तरीके से मारने हैं वो मैं वीडियो बना दूंगा, मात्र 20-30 रुपए में आप टिक्स 100% मार सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा चीज़ बना हुआ है जो 400-500 में मिलते हैं, लेकिन टिक्स उससे 100% सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको होममेड रेमेडी बताऊंगा, मात्र आप 10-15 रुपये लगा करके आप डॉग्स के जो टिक्स होते हैं 100% हटा सकते हो। ठीक है, तो शैम्पू वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया, हिमालयन का आप यूज़ करोगे, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो, होप करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारा शैम्पू अवेलेबल है, मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगा, जैसे जैसे मैं लोगों का रिव्यू पढ़ूंगा, लोगों से पूछूंगा, वैसे वैसे मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यही शैम्पू ऐसा है जो आप आँख मूंद के यूज़ करोगे और रिजल्ट उसका बेहतरीन होगा। ठीक है, और आप जाके अमेजन पे रिव्यू पढ़ लेना, सबसे पहले रिव्यू तो आप खुद पढ़ ही सकते हो। तो यही था हमारा आज का वीडियो, होप करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर देना, और बाद में एक बेल का भी आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रह जाए, क्योंकि मैं इतनी देर से बोलते रहता हूँ तो आप समझ सकते हो कि 5 मिनट लगातार कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी फंस जाती है, डोंट माइंड। तो आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।